हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब के साथ एक ज्वाइन बटन भी अब आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव निमोनिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके अंदर स्टडी मटेरियल की वीडियोस भी आपको मिलेंगी और लाइव सेशंस भी होंगे। तो जब आप ज्वाइन बटन देखोगे तो आपको वहाँ पर जितने भी पर्क्स हैं, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली हैं, वो वहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ज्वाइन बटन भी अब इस चैनल में स्टार्ट हो चुका है। बाकी आज की जो वीडियो है वो है हमारी ऑडिट ऑफ पीएसयू से। ऑडिट ऑफ पीएसयू करेंगे हम Jan 21 के लिए। पहला निमोनिक हम डाल रहे हैं ये, तो ऑडिट ऑफ एक दो तीन चार, और बाद में ये RTP May 19 में भी आया हुआ है, November 18 न्यू सिलेबस में भी आया हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो अभी हम इसको करेंगे, पूरा का पूरा लर्न करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिस्कस सम ऑफ द एरियाज टू बी एग्जामिन देयर इन। बाकी सब में भी यही सभी पूछा हुआ है वैसे कि कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट क्या होता है और उसके कुछ एरियाज़ को एग्ज़ामिन करना हो तो क्या करेंगे। तो हम समझते हैं इसको। कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट, कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट इन्वॉल्व असेसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कॉम्प्रहेंसिव नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखनी है किसके, एक पब्लिक एंटरप्राइज़ की, क्योंकि हम ऑडिट ऑफ पीएसयू कर रहे हैं तो पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस इज़ डन बाय रेफरेंस टू सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। कुछ ऑलरेडी बने हुए स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्राइटेरिया हैं, उसके बेसिस पर ही देखना है, उसी को रेफरेंस रखते हुए देखना है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। जो कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ऑडिट प्रोग्राम है। हर ऑडिट का ही एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑडिट प्रोग्राम ही होता है, और वो किस पर बेस्ड होगा, स्टडी ऑफ डिसीजंस रिलेटिंग टू सेटिंग ऑफ एंटरप्राइज, सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कैसे बनी हुई है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिटेल्स क्या हैं, कैपिटल कितना है, ऑपरेशनल बजट्स कितने हैं, एंड अदर रेलिवेंट अवेलेबल पेपर्स। मतलब कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट का सबसे पहला पॉइंट है। तो जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एरियाज़ क्या क्या कवर करेंगे। एरियाज़ हम देख लेंगे अभी कितने कवर होने वाले हैं। एरियाज़ हमारे हैं, देखो कितने हैं यहाँ पर, 10। ये 10 के 10 एरियाज़ हमें याद करने हैं। इस वीडियो का सोल पर्पस ये है कि आपको ये 10 पॉइंट याद हो जाएँ, और ये 10 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। इसका निमोनिक है हमारे पास सुपर कार। आई नो थोड़ा रिलेटेबल नहीं है, बट आप मान के चलो कि आप कॉम्प्रहेंसिव, एक कॉम्प्रहेंसिव कार कौन सी होती है, उस कार को हम बोलते हैं मतलब सुपर कार, मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं, ओवरऑल क्वालिटीज़ हैं, तो एक सुपर कार एक हमारी कॉम्प्रहेंसिव कार हो जाती है। तो ये उसका निमोनिक है। सबसे पहले आता है हमारा एस से हमारा पॉइंट है थर्ड, साउंडनेस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्टली नहीं पढ़ते, पहले एक बार थोड़ी सी दो लाइन ऊपर भी हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। Areas to be covered in comprehensive audit. The areas covered in comprehensive audit will vary from enterprise to enterprise. हर enterprise की बदलती रहती हैं comprehensive audit के areas. Depending on the nature of enterprise, उसके objective, उसके operations. जैसा कि हमने ऊपर audit program के लिए पढ़ा था, जिस enterprise के objective अलग होंगे, operations अलग होंगे, उनके comprehensive audit भी अलग होंगे। लेकिन हमें क्या याद करना है, हमें कुछ broad areas याद करने हैं। तो broad areas कैसे याद रखोगे आप, सुपरकार में सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उस सिस्टम की साउंडनेस चेक करनी है। साउंडनेस मतलब उसको चेक करना है कि वो कितना सही है, साउंडनेस चेक करनी है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। फिर आता है यू से आता है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। आपको ये भी देखना है कि आपको चेक करना है कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट के अंदर।
फिर आता है हमारा पी। पी से हमारा पॉइंट है कि हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग की इनसफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी भी चेक करनी है। फिर आता है ई। ई से हमारा इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स हमें चेक करने हैं। फिर आता है आर। आर से एक आर यहाँ पर आएगा और एक कार में आएगा, सुपर का आर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एडिक्वेसी चेक करनी है। फिर सी से आता है कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स की एडिक्वेसीज चेक करनी है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। फिर आता है ए, अचीवमेंट ऑफ प्लान रेट ऑफ रिटर्न, आपका प्लान रेट ऑफ रिटर्न्स की अचीवमेंट कितनी हुई है। और जो हमारा लास्ट आर है वो है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ R&D प्रोग्राम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ओके, सुपर कार में जो सुपर कार जो हमारा जो निमोनिक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट आप देख रहे हो ये भी यू में कवर हो जाएगा हमारा। अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मैन एंड मशीन, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन। वैसे मैंने इसको जब इनिशियली याद करा था तो W से करा था, बट फिर वो निमोनिक नहीं बन रहा था, तो इसको आप यू से ही याद करना। अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव आइटम, अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मैन एंड मशीन। वो तो R&D प्रोग्राम की एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो ये हमारा बेसिकली Jan 21 का। एक सेकेंड, आई थिंक एक पॉइंट अभी और रह गया हमारा सी वाला। सी से भी दो पॉइंट हमारे ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट जो है हमारी प्रोजेक्ट की, विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, आपकी प्लान्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन भी हमारा किसके अंदर आता है, कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट के अंदर आता है। तो सुपर कार से ये तुम्हें 10 पॉइंट आई थिंक मैक्सिमम याद हो गए होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो और ये निमोनिक पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।